हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते दीदी, सुनील भैया, श्यामला दीदी नमस्ते। और सही में निधि दीदी ने जिस तरह से अपनी प्रस्तुति की प्रशंसनीय है, जिस तरह से उन्होंने अपने संस्कारों की एक सूची बनाई है और ये भी कहा कि एक लंबी सूची बनाई है, कुछ ही उन्होंने रखा। इस तरह से हम सबको अपने ऊपर ध्यान देने की और काम करने की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया जी। जी भैया, तो आज हिंदी में अतुल डाले भैया की शेयरिंग है। भैया का ब्रीफ इंट्रोडक्शन रख देती हूँ। भैया प्रोफेसर हैं SVKM's द्वारका दास जे सांगवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई में। भैया ने अपना पहला वर्कशॉप मई 2020 में किया और अभी भैया रजिस्ट्रेशन और नए पार्टिसिपेंट्स को कॉल करने के लिए अपनी भागीदारी दे रहे हैं, तो भैया को आमंत्रित करती हूँ। जी भैया, स्वागत है आपका। अतुल भैया नमस्ते। अतुल भैया आपके पास माइक है, आप सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते दीदी, क्या मेरा आवाज आ रहा जी जी भैया, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। है? धन्यवाद धन्यवाद दीदी। प्रणाम कुमार भैया, शर्मिला दीदी, सभी को प्रणाम। मैं, जैसे दीदी ने बोला कि मैं अतुल देविदास राव ढाले प्राध्यापक हूँ, यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग में श्री विले पार्ले केलवानी मंडल्स के द्वारकादास जे संघवी इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और दो प्यारी बेटियां हैं। मेरे पिता लॉकडाउन के पहले मेरे नेटिव गए और वहाँ पे भाई के साथ रहते हैं। मेरा मानवीय मूल्य का प्रवास मई 2020 में चालू हुआ और वो भी योग सहयोग से। कोरोना महामारी के दौरान सब लोग घर पे ही थे, जो भी काम हो रहा था वो घर से ही हो रहा था। उसी दौरान बहुत सारे ऑनलाइन STTP वेबिनार्स चालू हो गए थे। उसी दौरान मुझे AICT से UHV वर्कशॉप का एक मेल आया, तभी मैंने उसके लिए रजिस्टर करवा लिया। जब वो वर्कशॉप चालू हुआ तभी पत्नी और बेटियां भी घर पे ही थी, उनको कुछ कंटेंट सुनने को मिला। पूरे वर्कशॉप के कंटेंट को सुनने के बाद इतना तो समझा कि ये कंटेंट खुद के लिए वेरीफाई और वैलिडेट कर सकता हूँ, और इसलिए वो अनुभव बहुत ही सुखद था। लेकिन जैसे ही नया सत्र चालू हुआ, ऑनलाइन पढ़ाना चालू हुआ, उसकी तैयारी में टाइम जाने लगा, तो उसमें वक्त जाने लगा तो UHV का ध्यान थोड़ा कम हुआ। फिर मैंने फ़रवरी 21 में Refresher 1 Part 1 ज्वाइन किया। वो कंप्लीट होने के बाद वीकली मीटिंग्स अटेंड करना चालू किया और उसमें उमेश भैया को सेशन लेते थे वो सुनना मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहा। फिर मैंने जनवरी 22 में Refresher 1 Part 2 ज्वाइन किया। उसमें कंटेंट की और बारीकी से ध्यान जाने लगा, अपनी समझ के प्रति भागीदारी क्या है और क्या होनी चाहिए उसमें ध्यान जाने लगा। और फिर जितना भी पॉसिबल है उतना वॉलेंटियरिंग का काम करने की कोशिश की। उसके बाद पुणे में अप्रैल 22 कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला और वहाँ पे मुझे पता चला कि UHV में जो बोला गया है वो सिर्फ बोला नहीं जाता, वो किया भी जा सकता है। कुमार भैया, उमेश भैया को मिलने का अवसर मिला और उनके साथ 3 दिन रहकर लगा कि सही में जीवन कितना सरल जिया जा सकता है। जो फर्स्ट वर्कशॉप के दौरान आइडियल कंडीशन लगती थी वो लोग अपने जीवन में जी रहे हैं। और इसी दौरान मेरा कॉलेज ऑटोनोमस हो गया और हमने 2021 से सेकेंड ईयर में Semester 4 में UHV कंपलसरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। और हमारे प्रिंसिपल सर को पता चला कि मैंने UHV का वर्कशॉप किया है तो मुझे UHV का कन्वेनर बना दिया। और इसके कारण मुझे इस कंटेंट को और एक्सप्लोर करने का मौका मिला, क्योंकि एवरी टाइम जब भी स्टूडेंट के सामने जाता था वो कंटेंट लेके, तो एक्चुअली स्टूडेंट से ज़्यादा मेरा ही एक्सप्लोरेशन पहले तो इनिशियली बढ़ने लगा, क्योंकि किसी को समझाना है ना, फर्स्ट खुद को समझना बहुत ज़रूरी होता है। पुना कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने मॉर्निंग सेशन के लिए नाम दिया।
और खुद को एक्सप्लोर करने का प्रयास करने का अवसर मिला। और मैं प्रयास करता रहा, ये मेरा तीसरा मॉर्निंग सेशन है और इस बार मुझे लगता है कि मेरी समझ थोड़ी और बड़ी है और मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला। वैसे मैं बहुत कम प्रश्न पूछता हूँ, लेकिन जो आप सभी लोग आपके प्रश्न पूछते हैं उसमें मेरे से रिलेट करके देखकर एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। स्पेशली अभ्यास एक में स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का प्रयास किया। जब ये अभ्यास शुरू हुआ तब तो इतनी तो समझ हो गई कि कल्पनाशीलता अपने में कंटिन्यू चलती है, लेकिन कभी उससे देख सकते हैं और कभी नहीं। लेकिन कल्पनाशीलता को देखने का खास प्रयास किया तो वो अभी देख सकते हैं। जब कभी किसी से सहमति नहीं होती तभी पता चलता है कि मेरे भाव बदल रहे हैं और उस समय कुछ डिस्टर्ब में होते हैं। अभी हर वक्त ये मैं देख सकता हूँ, जब भी अपोजिशन के भाव आते हैं मैं देख सकता हूँ, लेकिन तभी ये भी ध्यान आता है कि ये अपोजिशन के भाव मुझे सहज स्वीकार्य नहीं होते, क्योंकि उस समय मैं आराम में नहीं रह पाता, संगीत में नहीं होता। इसमें ये भी देख पाता हूँ कि जो भी भाव विचार चल रहा है वो रिलेशनशिप का हो या अपोजिशन का, उसका निर्णय मैं ही लेता हूँ। कोई भी परिस्थिति में या कोई भी दूसरा व्यक्ति ये निर्णय नहीं लेता, ये निर्णय अपना खुद का ही होता है, ये भी देख पाता हूँ। मेरे अपने में भाव विचार चलते रहते हैं, इसका निर्णय सही समझ के आधार पर लेना चाहिए, ये देख पाता हूँ। ये समझता तो है, लेकिन हर वक्त जो भाव विचार चलते हैं उसका निर्णय हर समय सही समझ में नहीं ले पाते। उसके लिए मुझे अपने आप में और काम करने की आवश्यकता है और वो करने का प्रयास मैं निरंतर करता रहूंगा। आराम में, संगीत में और सुखी रह पाऊं। मैं मेरे जीवन के बदलाव के बारे में बात करूं तो मुझे इतना तो अभी समझ में आया कि मैं हर एक मानव के साथ संबंध में, मैं किसी का बेटा हूं, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पिता और किसी के साथ को एक्सप्लोरर हूं। ये संबंध को समझना और समझ के साथ जीने की आवश्यकता है। इस मॉर्निंग सेशन के कारण मैं सजग रहता हूँ। घर में कभी मेरे विचार के अनुसार चीजें नहीं हुई तो मुझे अभी ज्यादा इरिटेशन नहीं होता। यही पहले यानी 2 साल पहले मेरा इरिटेशन ज्यादा रहता था। फिर 2-3 दिन पत्नी से बात बात बातचीत बंद हो जाती थी, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि मेरा इरिटेट होना बहुत ही कम हुआ है और बातचीत बंद होने का वक्त लास्ट 1-1.5 साल में आया नहीं, बल्कि अभी संभाषण होने लगा। और संभाषण के वक्त भी जब भी अपोजिशन का भाव आता है तो मैं देख सकता हूँ कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ और फिर प्रयास करता कि वो भाव कम हो। और उसके लिए रियलिटी एज इट इज देखने की कोशिश करता हूँ, सही समझने की कोशिश करता हूँ। और इसलिए मैं ये देख पाता कि मैं आराम में रह सकता हूँ। मेरी बड़ी बेटी जो 11th में है वो मुझे बहुत बार भी बोलती है कि छोटी बेटी जब नीचे खेलने जाती है और वो कभी लेट होती है तो आप उसे चिल्लाते नहीं, मुझे तो आप बहुत चिल्लाते थे। कॉलेज में भी हर समय मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि मेरे भाव विचार कैसे है। मैं मुंबई रहता हूँ और मैं लोकल ट्रेन में डोंबिवली से विले पार्ले तक प्रवास करता हूँ, तभी उस दौरान भी मैं ये देख सकता हूँ कि किसी का धक्का लगता है या अंदर घुसने के लिए लोग जोर लगा के ढकलते हैं, तो उस समय मेरे भाव कैसे बदलते हैं।
मैं 2 साल पहले मुझे इन चीजों से बहुत इरिटेशन होता था, लेकिन मॉर्निंग सेशन के कारण जो 6:30 to 7:30 सुनने मिलता है, और उसके बाद में जनरली मैं 7:45 8 ट्रेन पकड़ने निकलता हूँ, तो सुना हुआ कंटेंट वेरीफाई करने का मौका मिलता है, और इसके कारण मैं अभी बहुत आनंद में सफर कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, कॉलेज में भी छोटे छोटे इंसिडेंट्स में मेरे भाव कैसे हैं ये देखने की आदत सी हो गई। जब भी मेरे सोच के विरुद्ध होता है तो मेरे भाव कैसे हैं, और मेरे फेवरेबल कुछ हुआ तो मेरे भाव कैसे हैं ये मुझे दिखता है। लेकिन मैं ये भी देख पाता हूँ कि मेरे सुख दुख के लिए मैं ही जिम्मेदार पूरी तरह से, और इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ कि अपने में परिमार्जन हो, सुधार हो, मेरे सुख दुख के लिए दूसरों को जिम्मेदार न ठहरा। मुझे ये समझ में आया कि जो भी निर्णय लेता है और समझ के आधार पर होना चाहिए, ना कि मान्यता के आधार पर। लेकिन जो 40-45 साल के संस्कार हुए हैं वो 2-3 साल में पूर्णतः नष्ट करना मेरे लिए आसान नहीं, लेकिन मैं ये देख पाता हूँ कि जब समझ के आधार पर भाव का निर्णय करता हूँ तो वो सही सहज भाव निर्णय कर आराम में रह सकते हैं, और जब मान्यता के आधार पर भाव का निर्णय करता हूँ तो यह निश्चित नहीं होता कि आराम में रहेंगे या परेशान रहेंगे। इसलिए अपने में समझ को सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस करता हूँ और इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व का भाव कि मुझे सहज स्वीकार्य है ये मैं देख पाता हूँ। इसलिए संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को अच्छी तरह से समझना मेरी मूलभूत आवश्यकता है, और इसलिए मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। कभी कभी निर्णय पूर्वक अपने भाव को संबंध व्यवस्था और सहज अस्तित्व के भाव के अर्थ में सुनिश्चित कर मैं सुखी होता हूँ, लेकिन हर क्षण ऐसा सुनिश्चित नहीं कर पाता। लेकिन मैं प्रयास करता रहूंगा कि संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व को संपूर्णतः मैं समझने आधार पर मेरा भाव सहज रूप से संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व के अर्थ में रहे और मैं निरंतर सुखी रहूं। अभ्यास 2 में चैतन्य और शरीर के बीच होने वाले आदान प्रदान को देखता हूं। मैं और शरीर दोनों अलग अलग वास्तविकता है ये देख सकता हूं। उन दोनों की जरूरतें भी अलग अलग है। मैं देख पा रहा हूं कि मैं भी हूं और शरीर भी है। मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है ये देख सकता हूं। मैं शरीर को एक साधन के समान उपयोग करता हूं। जो भी करना है उसके लिए मैं शरीर को सूचना देता हूँ और शरीर से करवा लेता हूँ। शुरुआत में ऐसा लगता था कि शरीर में जो संवेदना होती वो कभी कभी पढ़ पाता, लेकिन धीरे धीरे ये शरीर में होने वाली बहुत सारी संवेदना को पढ़ रहा हूँ। बाद में ये भी पता चला कि शरीर को संकेत देने का और संवेदनाओं को पढ़ने का निर्णय मैं ही लेता हूं। सूचना के आदान प्रदान का निर्णय पूरी तरह मेरा है, और इसमें यह भी समझ में आया कि मैं शरीर को अपने निर्णय अनुसार चलाता हूं, साधन की तरह प्रयोग करता हूं। मैं और शरीर के बीच दूरी है ये भी देख सकता हूं। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव संवेदना के रूप में शरीर पर पड़ता है। इन संवेदनाओं को पढ़ना है या नहीं इसका निर्णय मैं करता हूँ। मैं संवेदना का आस्वादन करता हूँ। मैं अपने संस्कार मान्यता या समझ आधारित के साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूँ। यह सब मेरे संस्कार पर निर्भर करता है, इसलिए मुझे अपने संस्कार को देखने की जरूरत है कि यह सही समझ पर आधारित है या यह मान्यता पर आधारित। अभी तक इतनी समझ हो गई कि बाहर की घटनाओं के प्रति
अपनी जिम्मेदारी को देखना चाहिए, लेकिन अभी तक वो स्वभाव नहीं बन पाए, इसलिए इसमें अभी काम करने की आवश्यकता है। और इसमें निरंतर काम करना चालू है। मुझे बहुत बार ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे संस्कार कुछ मान्यता और कुछ समझ पर आधारित है, और इसलिए मैं स्वयं में निरंतर सुख की स्थिति को सुनिश्चित नहीं कर पाता। लेकिन इतना जरूर है कि तीसरे मॉर्निंग सेशन के बाद सुख की स्थिति का प्रमाण बड़ा है, जो जहां तक मुझे लगता है वो 50-60%। और इसलिए मैं प्रयास करता रहूंगा कि मेरे निर्णय सही समझ के आधार पर आधारित होने चाहिए, ना कि मान्यता के आधारित। मेरा होना, शरीर का होना, ये सब शून्य में है और शून्य के सहअस्तित्व में है। इस समझ में तो आया है, लेकिन व्यवहार में आना बाकी है, और उसके लिए मेरा प्रयास निरंतर जारी रहे, ये मेरा आप सभी लोगों को वादा है। वैसे तो मैं बहुत ही कम प्रश्न पूछता हूं, लेकिन आप सभी लोगों के प्रश्नों से मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, और बहुत बार आपके प्रश्नों से मेरी समझ और वृद्धिंगत होती है। इसलिए सभी साथी को बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता आप सभी साथियों के लिए। सुख स्वभाव है या प्रभाव? ये सुख स्वभाव है, इसकी क्लैरिटी तो वी है, लेकिन उसको स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए अपने भाव सही समझ के आधार पर होना जरूरी है, और उसके लिए हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटा में के अर्थ में कोशिश करता हूँ। मेरा कमिटमेंट, मैंने जैसे बोला कि मेरे स्वयं के समझ के लिए मैं हर पल ये देखने का प्रयास करता हूँ कि मेरे भाव विचार कैसे हैं। मैं हर दिन मॉर्निंग सेशन के लिए ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा का समय तो मैं देता ही हूँ, और वॉलेंटियरिंग में रजिस्ट्रेशन का काम तो रेगुलर करता हूँ, और इसके लिए इसके साथ वीकली मीटिंग्स, मंथली मीटिंग्स ज्वाइन करने का प्रयास करता हूँ। और जैसे मैंने बोला कि मेरा कॉलेज में ऑलरेडी UHVA सब्जेक्ट है, तो हमने अभी उसको कुछ ब्रांच के लिए 3rd सेमेस्टर और कुछ ब्रांच के लिए 4th सेमेस्टर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया, और इसके लिए मैं पूरे साल उस कंटेंट के साथ जुड़ा रहता हूँ। इसलिए मैं कॉलेज में भी बहुत सारा टाइम UHV के लिए ही देता हूँ। मैं खास करके गणेश जी, कुमार भैया, शर्मिला दीदी, उमेश भैया, यशवंत भैया, विनय भैया, अर्पिता दीदी, निधि दीदी और सभी वो एक्सप्लोरर का कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद करता हूँ। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो अभी कुमार भैया से सुन लेते हैं। जी कुमार भैया, जी नमस्ते सभी को। पुनः मेरी आवाज यदि ठीक से आ रही है। जी जी भैया, अतुल भैया, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रही आपकी। बहुत ही सिंसियरली आप प्रयास कर रहे हैं, मन लगा रहे हैं, और आपको एक अच्छा अवसर मिला है कि दोनों सेमेस्टर्स में आप पढ़ा भी पा रहे हैं इस कोर्स को। और जिस तरह से आपने व्यवहार पे, बच्चों के साथ संबंध पे, घर में ध्यान दे रहे हैं, प्रशंसनीय है। अभी भैया आपकी उम्र क्या है? ऑलमोस्ट अभी फेब्रुआर में 50 हो जाएगा भैया। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। तो बहुत समय है आपके पास। जी, और अभी आपकी जो भागीदारी है वो किस प्रकार से है, अभी जो भागीदारी कर रहे हैं कार्यक्रमों में? कार्यक्रमों में भैया मैं ज्यादा ज्यादा रजिस्ट्रेशन का काम और पार्टिसिपेंट्स को कॉलिंग का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉलेज में बहुत वर्क होता है। मीन्स इसलिए अपने स्पेशली वर्कशॉप में भागीदारी करने का, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर समय पे देना होता है, तो वो होता नहीं अभी, तो वो डेफिनेटली मेरी कमी है। लेकिन मैं आपका मंडे टू सैटरडे है या मंडे टू फ्राइडे है? अच्छा, मंडे टू सैटरडे है, 6 डे वर्किंग है। जी, वही मुझे लग रहा था थोड़ा सा भागीदारी वाले पार्ट पे
कुछ और समय लगाने की जरूरत है, उसके लिए अवसर कम मिल रहा है। और आपको हाँ भैया, जैसे सुबह घर घर से कॉलेज के लिए निकले और वापस घर लौटे तो कितना समय लग जाता है? ऑलमोस्ट मेरे 4 आवर्स ट्रैवलिंग में जाते हैं। और अच्छा हाँ, तो इसलिए इवनिंग का भी बहुत बार मुझे, क्योंकि ट्रेन में ये नहीं होता है, मीन्स नेटवर्क ठीक से नहीं रहता, तो वो भी बहुत जी दिक्कत जी आती है। जी तो जो कठिनाई बस मुझे लग रही है कि कॉलेज के साथ और ये जो समय का एंगेजमेंट है 4 घंटा ट्रैवलिंग में, थोड़ा समय आपको कम मिल पा रहा है, फिर भी आप हाँ सुबह के सत्र में जुड़े रह रहे हैं और पीपीआई कॉलिंग कर रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कुछ, अगर प्रोजेक्ट बेस्ड जो भागीदारी है अगर उसके लिए समय मिलता है। आपका वैसे डिपार्टमेंट क्या है? मैकेनिकल डिपार्टमेंट, अच्छा, बढ़िया। जी, लेकिन मैं और आपको डेफिनेटली, ह्यूमन, हाँ हाँ भैया, आपको ह्यूमन वैल्यूज सेल के लिए भी आपको हेड बना दिया गया ना, कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। तो हाँ हाँ भैया, आपके कॉलेज से कितने लोगों ने अभी तक वर्कशॉप कर लिया है? कॉलेज में ऑलमोस्ट 50-60 लोगों ने तो वर्कशॉप कर लिया है, इंट्रोडक्टर तो भी वर्कशॉप कर लिया है, और मोर देन 25-30 लोगों ने UHV-2 का भी वर्कशॉप कर लिया ऑनलाइन ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मुझे ऐसा मोड लग में। रहा है कि जिन लोगों का समय ज्यादा लग रहा है कॉलेज में, उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि कॉलेज में इंटेंसिवली काम किया जाए, क्योंकि आपके प्रति जो मैनेजमेंट की आश्वस्ति है, जिसके कारण आपको कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया है और 50-60 लोगों ने वर्कशॉप कर लिया है। तो आप अपने यहाँ 3 डेज सेल्फ फंडेड इंट्रोडक्टरी FDP कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने इंट्रोडक्टरी ऑनलाइन किया है वो भी इसमें बैठ सकते हैं और सुन सकते हैं दोबारा पूरी बात को, नए लोग भी बैठ सकते हैं। और फिर आप UHV-2 के भी फेस टू फेस वर्कशॉप प्लान कर सकते हैं, आइदर AICTE फंडेड या सेल्फ फंडेड। तो आपके कॉलेज में इंटेंसिव काम हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारी परिस्थिति होती है वो हमारे लिए एक अवसर है। अगर कॉलेज में समय ज्यादा लग रहा है तो कॉलेज में इंटेंसिवली काम कर लिया जाए, कॉलेज में कम समय देना है तो समाज में फैल के काम कर लिया जाए। तो कॉलेज में भी इंटेंसिवली हाँ काम करेंगे तो उससे अपने आप में परिमार्जन के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, क्योंकि हम संबंध के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर इंटेंसिवली जब काम करते हैं ना, तो अपना मूल्यांकन ज्यादा अच्छे से हो पाता है। हाँ तो भैया, एक एक जरूर। कलीग के साथ, जी, एक एक कलीग के साथ जो आपका संबंध है, मैनेजमेंट का जो संबंध है, बच्चों के साथ संबंध है, और फिर उनमें से कुछ बच्चों को आप चुन के निकाल सकते हैं जो भावी योजनाओं में ठीक से लगेंगे, है ना, इसके हिसाब से जीने का प्लान करेंगे। तो हाँ भैया, डेफिनेटली। जी, सुझाव के रूप में तो मैं यही कहूंगा कि फिर आप कॉलेज में इंटेंसिवली काम करने का प्लान करें। आपके कॉलेज का नाम क्या है? द्वारकादास जे संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विले बढ़िया पार्ले, बढ़िया। मुंबई। और वहाँ जी, और मुंबई में और वेस्टर्न रीजन में एक बड़ी टीम भी है, आपको पूरा सहयोग मिलेगा। कभी भी रिसोर्स पर्सन की जरूरत पड़ेगी तो बड़ी आसानी से लोग उपलब्ध हो सकते हैं, हाँ, मैंने तो उसके पास आप एक्चुअली प्लान कॉलेज करें। से अप्लाई किया है। हाँ, किया है अटल FDP के थ्रू, UHV के लिए, लेकिन उसका नहीं, शायद अटल होल्ड के पे थ्रू था ना तो वो करें, आया नहीं, नहीं तो किया था। अच्छा, नहीं, सेल्फ फाइनेंस। अटल के थ्रू ना करें। अटल एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है, हम लोग जितने इंटेंसिटी और सिंसियरिटी के साथ करते हैं वर्कशॉप, ओके, उस तरह का वर्कशॉप अटल पे थोड़ा होना मुश्किल है। तो आप तो अब फेस टू फेस वर्कशॉप प्लान करिए ओके कॉलेज में, okay. वैल्यू एजुकेशन सेल को स्ट्रेंथन करिए। हाँ, और हाँ, वहां से और लोगों को तैयार करने का प्रयास करिए, तो उसमें आपकी अपनी भी गति बनेगी, लोग आपकी तरफ एक आशा की दृष्टि से देखेंगे, है ना, कि आप में वो श्रेष्ठता दिखे। तो उसके लिए आपको भी एक आवश्यकता महसूस होगी अपने ऊपर काम करने की। उससे हमारी yes. भाषा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, है ना, हमारा निर्वाह करने का तरीका, भिन्न भिन्न अवसरों पर हम सब पे ध्यान जाता है। बढ़िया भैया, हाँ भैया, तो मेरी धन्यवाद। तरफ से यस, शुभकामना, बधाई। जी, आपने तो RP डेवलपमेंट के लिए भी संडे पे अपना प्रेजेंटेशन 1 या 2 बार दिया है ना? जी हाँ भैया, दो दो जी बार दिया। हाँ, बढ़िया बढ़िया भैया, शुभकामना। जी धन्यवाद जी भैया, धन्यवाद। जी धन्यवाद अतुल भैया, धन्यवाद कुमार भैया।